मकान उन्हीं के बनवाए जाएंगे जिसे मकान की खास जरूरत है, जिनके मकान पहले से बने हुए हैं उनका एक मकान नहीं बनने का, उन्हीं के बनेंगे जिनके पास मकान की कमी है। खेल की तरफ से कोई अगर योजना होगी तो वह गाँव में लाई जाएगी और उनके लिए खेल का फील्ड का व्यवस्था कराई जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित ऑफिशियल अर्पित व्लॉग्स। दोस्तों आपको बता दूं कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं जिसमें जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और बीडीसी, और तीनों ही पद अपने अपने स्थान पर बहुत ही खास है। तो आपको बता दूं कि जिन उम्मीदवारों ने इस चुनाव में नामांकन किया है तो हम उसमें सबका बारी बारी से इंटरव्यू ले रहे हैं। तो जिसमें हमारे साथ जो इंटरव्यू में इस बार है तो वे गाँव नासन कला चुनाव प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें उनका नाम संजीव है जो पैसे से गांधी टेंट हाउस का काम करते हैं। तो चलिए आप उनके पास हम चलते हैं, सीधा आपको डायरेक्ट उनका उनसे पूछताछ करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं और आपको बता दें कि आने वाले चुनाव में अगर ये चुनाव जीतते हैं और उसके बाद में गाँव का विकास कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप। सबसे पहले आपको बता दूँ कि नासन कला गाँव के संजीव जो जिन्होंने प्रधान पद से उठाया है, तो आज हम उनसे बातें पूछते हैं। तो सबसे पहले हम उनका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आपका धन्यवाद। तो संजीव जी, आपका सत्ता, मेरा जो क्वेश्चन है, गांव वालों का जो क्वेश्चन है, तो आपका सत्ता में आने का क्या मकसद है? यही है कि गांव का विकास करा जाएगा जी, और जो भी रुके हुए कार्य वे पूर्ण करे जाएंगे गाँव के विकास के। तो जो बच्चे गाँव में शिक्षित नहीं हैं और उनको पढ़ने में बहुत ही दिक्कत आ रही है, तो उनकी शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस शिक्षा तो जरूरी है जी बिल्कुल, गाँव में व्यवस्था करी जाएगी उनकी पढ़ाई की, स्कूल तो है ही, अगर कोई दिक्कत भी होगी तो स्कूल की व्यवस्था करी जाएगी। और कुछ बुजुर्ग जो गांव के 60 वर्ष से ऊपर की उनकी उम्र हो चुकी है तो उनकी पेंशन नहीं बंधी हुई है, तो उन बुजुर्गों का कहना कि जब हम गांव में जब कोई प्रधान पद जो कोई चुनाव जीत जाता है तो उसकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी? वो उनकी पेंसिल बनवाई जाएगी जी, बुजुर्गों को तो पेंसिल चाहिए ही। और गांव में जिन व्यक्तियों के कुछ राशन कार्ड नहीं बने हैं और कुछ के नाम कटे हैं तो उन पर बहुत ही युवाओं को और बुजुर्गों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि तहसील में चक्कर काटने पड़ते हैं, तो उसमें प्रधान की प्रतिक्रिया आपको क्या देखने मिलती है? तो प्रधान की तरफ से तो यही है जी कि उनके कार्ड राशन कार्ड बनवाए जाएंगे, उन्हें परेशान होने से बचाया जाएगा और अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करी जाएगी कि उनका काम यहीं करा जाए गाँव में। तो जैसा आप जानते हैं कि अभी हमारे साथ जो प्रधान पद जो जुड़े हैं, तो उनका कहना है कि अगर वे प्रधान पद जीतते हैं तो आपको ऐसी समस्याओं को फिर नहीं देखना पड़ेगा, और जैसे आपका राशन कार्ड कटा है तो आप प्रधान पद से और प्रधान से संपर्क कर सकते हैं। और जैसे मैं बता दूं कि गांव में कुछ युवाओं के लिए खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, तो वे चाहते हैं कि प्रधान की तरफ से कुछ योजना में ग्राउंड खेलने के लिए मिले। हाँ जी, खेल की तरफ से कोई अगर योजना होगी तो वह गाँव में लाई जाएगी और उनके लिए खेल का फील्ड का व्यवस्था कराई जाएगी। कुछ का युवाओं का कहना है, बुजुर्गों का कहना है कि गांव में जो शमशान घाट है वो बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है, वहाँ पर घास भूस खड़ी है तो साफ़ सफाई सुविधा नहीं है, तो उस पर आपका क्या कहना है? साफ़ सफाई करी जाएगी जी, जो भी साफ़ सफाई वहाँ कम है तो उसकी बारे में सोचा जाएगा, करा जाएगा उस पर काम। और कुछ व्यक्तियों के जिनके कुछ मकान पिछले उसमें भी नहीं बने हैं और कुछ के मकान कच्चे हैं, तो उसकी योजना में कुछ लोगों के मकान नहीं बन पाए, तो वे चाहते हैं कि प्रधान की तरफ से अब की बार योजना में हमारे मकान बन पाए, तो उसकी तरफ से आपका क्या कहना है? मकान उन्हीं के बनवाए जाएंगे जिसे मकान की खास जरूरत है, जिनके मकान पहले से बने हुए हैं उनका एक मकान नहीं बनने का, उन्हीं के बनेंगे जिनके पास मकान की कमी है। गाँव में कुछ लाइटें सड़कें खराब हुई पड़ी है, तो उसकी मरम्मत के बारे में? मरम्मत भी सही कराई जाएगी, लाइटों का भी पूरा प्रबंध कराया जाएगा। तो आपको बता दूं कि दोस्तों की जो हमारे ये सब्सक्राइबर जो देख रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि गांव में नाले खराब हुए पड़े हैं, टूटे फूटे पड़े हैं और जिन पर अभी तक कोई साफ़ सफाई देखने को नहीं मिली है, उनकी साफ़ सफाई भी करवाई जाएगी, उनकी जो टूट फूट है उसकी भी मरम्मत पूर्ण रूप से सही कराई जाएगी। और अगर आप चुनाव जीतते हैं तो गाँव का विकास कैसे करेंगे? गाँव वालों की मदद से करा जाएगा, गाँव वालों को उसमें शामिल करा जाएगा अपने विकास के लिए, और जैसे भी गांव वालों की सहमति होगी उसी हिसाब से गांव का विकास किया जाएगा। मेरा आखिरी प्रश्न, अगर आप जनता के बीच में जाते हैं तो आपको जनता कितना समर्थन और प्यार मिलता है? गांव वालों का प्यार देख के ही मुझे पद पाने की कोशिश करी जा रही है, गांव वालों ने मुझे इस पद के लिए चुना है, गाँव वालों के सम्मान में मैं कोई कमी नहीं आने देने का मरने के बाद भी। तो दोस्त संजीव जी का आपको कैसे इंटरव्यू अच्छा लगा तो जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी बजाएं दबाएं और वीडियो नौ से वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाले पद पर अच्छे प्रधान वाले जी ने इस पर पर्चा उठाया। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह है जी हमारा कैरम बोर्ड।
तो इनका चुनाव चिन्ह कैरम बोर्ड है, तो आपके अगर इनका इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो कृपया इनको सपोर्ट करें। तो चलिए अगले इंटरव्यू में मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय।